नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार के थानों का शुरू हुआ डिजिटलाइजेशन। बिहार के थानों के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया CCTNS के तहत करवाई जा रही है। इसको लेकर SCRB के IG कमल किशोर सिंह ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि 2012 में CCTNS योजना पूरे भारत में शुरू हुई थी, हालांकि कि दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार पिछड़ गया है, लेकिन पुलिस मुख्यालय का मानना है कि देर आए पर दुरुस्त आए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अन्य राज्यों की तरह ही बिहार पुलिस विभाग पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण की तरफ कदम बढ़ा रहा है। बिहार के अब तक कुल 894 थाने CCTNS योजना के तहत जुड़ गए हैं। CCTNS योजना के तहत यह सभी थाने जुड़ जाएंगे, जब अपराध की रोकथाम में बड़ी कामयाबी हासिल भी की जा सकती है, जिसके तहत देश के 16,000 थाने कनेक्ट हो चुके हैं। उत्तर मध्य रेलवे ने निकाली रिक्तियां। उत्तर मध्य रेलवे ने एक्ट अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 480 पोस्ट पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक ट्रेड में 10वीं पास ITI की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 16 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट ncr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब मात्र 10 दिनों में मिल जाएगा जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र। RTS कानून में बिहार सरकार ने अहम बदलाव कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप सेवा का अधिकार अधिनियम कानून के तहत आने वाली सेवाओं को और ज्यादा सुलभ बनाया जाएगा। इसके साथ ही कई नई सेवाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इन तीनों प्रमाण पत्र को आवेदन करने के 10 दिनों के अंदर ही बनाकर देना होगा। तत्काल इस मामले में इन प्रमाण पत्रों को 2 दिनों में जारी करने की व्यवस्था की गई है। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से राज्य में लागू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक इन तीनों प्रमाण पत्रों को बनाने में देरी होती है तो प्रथम अपील SDO के पास कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि 1 अप्रैल 2021 से CO की जगह जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी जारी करेंगे, हालांकि 31 मार्च तक अंचलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच जल्द ही बेहतर हो जाएगा आवागमन। बिहार में गंगा नदी पर 3 और कर्मनाशा नदी पर 1 पुल से होकर अगले साल आवागमन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसमें कि पटना के महात्मा गांधी सेतु का पुल, मुंगेर पुल, सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल और कर्मनाशा नदी पर बक्सर चौसा पुल शामिल है। इसमें उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन बेहतर हो जाएगा, साथ ही राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों का भी विकास होगा। चारों पुल सहित उनके अप्रोच रोड को बनाने का काम जारी है। फिलहाल गंगा नदी पर 6 पुल से होकर आवागमन जारी है। इनमें बक्सर सेतु, पटना में महात्मा गांधी सेतु का पश्चिमी लेन, पटना में JP सेतु, मोकामा में राजेंद्र सेतु, भागलपुर में विक्रमशिला सेतु और आरा छपरा पुल शामिल है। तीनों पुल बनने से 2022 तक गंगा नदी पर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पटना में MG सेतु के पश्चिमी 2 लाइन की मरम्मत का काम जारी है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे बिस्मिल्लाह खान की। उस्ताद कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान का जन्म आज के दिन साल 1916 में बिहार में हुआ था, जिनका अक्सर उस्ताद शीर्षक से भी उनको जाना जाता है। एक भारतीय संगीतकार थे जिन्हें ओबनी वर्ग के एक उपमहाद्वीपीय पवन उपकार शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता था, जबकि शहनाई का लंबे समय से महत्व था क्योंकि पारंपरिक समारोह में मुख्य रूप से स्कूली बजाया जाता था। खान को इसका दर्जा ऊंचा करने और इसे संगीत समारोह में लाने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद ही वो तीसरे शास्त्रीय संगीतकार भी बन गए थे। अपने 102वें जन्मदिन पर गूगल ने बिस्मिल्लाह खान को गूगल डूडल से सम्मानित भी किया था। होली पर जांच अभियान में पटना जंक्शन पर CRPF ने UP के युवक से बरामद किए लाखों रुपए के चांदी। COVID-19 को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ होली को लेकर के बिहार की राजधानी पटना जंक्शन पर जांच अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है, जिसके तहत हाल ही में RPF ने 70 लाख की चांदी बरामद की है। पटना जंक्शन के RPF पोस्ट की टीम में एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोका था, फिर उसे पूछताछ शुरू की गई, जिसके बाद जांच में उसके पास से 88 किलो से अधिक की चांदी बरामद हुई। जंक्शन के प्रभारी BK सिंह ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि सर्च अभियान में कुल 88.191 किलोग्राम चांदी के जेवरात पाए गए हैं। पकड़ा गया व्यक्ति अपना नाम और पता रणविजय यादव, पिता पतय यादव, घर दौलत नगर, थाना साहिबाबाद, गाजीपुर UP बता चुका है। उसने पुलिस को बताया है कि वाराणसी से बाकरगंज सोना चांदी की दुकान पर आभूषणों की डिलीवरी करने वाला था, जिसको पटना जंक्शन रेल परिसर से बाहर जाने के क्रम में रोका गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए पैसे नहीं उड़ा सकेंगे
के उम्मीदवार अक्सर वोटरों को लुभाने के लिए उम्मीदवारों की तरफ से काफी ज्यादा पैसों की बर्बादी देखी जाती है। हालांकि अब उम्मीदवारों पर अंकुश लगा दिया गया है, जिसके तहत अब उम्मीदवार वोटरों को लुभाने के लिए बेवजह पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा का ब्यौरा जारी कर दिया था, जिसमें अधिकतम 1,00,000 रुपए तक ही खर्च किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने 101 पन्नों की गाइडलाइन जारी की है, जिसमें उम्मीदवारों के लिए क्या करें और क्या ना करें की विस्तृत जानकारी दी गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 1,00,000 तक खर्च करने की छूट मिली है। बिहार में कोरोना के मिले 100 से कम मामले, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 88 मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 51 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 41 नए मामलों की पुष्टि हुई, इसके साथ ही नवादा में 7 और रोहतास में 6 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अगर हम बिहार में रिकवरी दर की बात करें तो ये 99.23% दर्ज की गई है। वहीं बिहार में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या की बात करें तो यह 2,61,413 रहा। इसके साथ ही अब बिहार में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 472 बच गई है। बिहार में मार्च के अंत तक आ सकता है इंटर परीक्षा का परिणाम। इंटर परीक्षार्थियों के कॉपियों का मूल्यांकन का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति साल 2021 की इंटर और मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट रिकॉर्ड समय पर जारी करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। कॉपियों की जांच और अंक तालिका बनाने का काम जिस गति से हो रहा है, उसके मुताबिक इंटर का रिजल्ट इसी महीने के आखिर तक जारी हो सकता है। अगर होली की वजह से इसमें देरी हो गई तो अप्रैल का पहला हफ्ता तो लगभग तय ही माना जा रहा है। इसके थोड़े ही दिनों के अंतराल पर मैट्रिक का रिजल्ट भी जारी होगा। वैसे परीक्षा समिति पहली बार मार्च महीने में ही इंटर का रिजल्ट जारी करने को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई दे रही है। इसके तहत ही रिजल्ट को समय पर जारी करने को लेकर इस पूरी प्रक्रिया की प्रगति को खुद आनंद किशोर मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि बिहार बोर्ड इंटर की कॉपियों की जांच लगभग पूरी कर ली गई है। 5 मार्च से इंटर की कॉपियों की जांच चल रही थी, उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक रिजल्ट आ सकता है। कपिल देव ने वर्तमान के खिलाड़ियों को 1983 वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों से बताया बेहतर। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज में भारतीय टीम की तस्वीर साफ होने लगी है। लगभग यही टीम इस साल के अंत में भारत में होने वाले टी20 विश्व कप में खेलती नजर आ सकती है। हालांकि इस टीम को अपने प्रदर्शन में निरंतरता रखनी होगी, साथ ही ईशान किशन और सूर्य कुमार जैसे क्रिकेटरों को रहने से छोटे फॉर्मेट में भारत को फायदा होगा। इसी बीच भारतीय टीम को लेकर के विश्व कप विजेता कपिल देव ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि निसंदेह वर्तमान समय की भारतीय टीम ज्यादा बेहतर है। हमारे समय में ऑलराउंडर थे, युवा और अनुभवी क्रिकेटर वाली विराट की टीम में अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज है। क्षेत्र रक्षण की इस टीम का प्लस पॉइंट ये है कि हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर की भूमिका को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। दस्तावेजों की रजिस्ट्री के जरिए बिहार सरकार ने कमाए 3,500 करोड़ रुपए। सरकार को निबंधन से होने वाली कमाई में इस बार घाटे का सामना करना पड़ा है। कोविड-19 के कारण पिछले महीने तक 58 से 60% लक्ष्य हासिल हो पाया। वित्त वर्ष में 4,700 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध मध्य जनवरी तक 2,721 करोड़ रुपए का राजस्व निबंधन में मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे अधिक 514.67 करोड़ रुपए का राजस्व सिर्फ पटना जिले से आया है। मुजफ्फरपुर में 140.55 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर रही। पूर्वी चंपारण का तेजी से विकास होता इलाका निबंधन के मामले में अन्य जिलों को पछाड़कर 126.80 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर आ गया है। भागलपुर चौथे जबकि गया 5वें स्थान पर है। सबसे कम राजस्व देने के मामले में 10.17 करोड़ के साथ अरवल सबसे नीचे, जबकि शिवहर 11.97 करोड़ के साथ नीचे से दूसरे स्थान पर है। मांझी के तेवर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हुए नर्म, जहां एक तरफ राज्यपाल कोटे की तरफ से मनोनीत सीटों को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की नाराजगी देखने को मिल रही थी, वहीं मांझी की नरमी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में बीते दिनों बिहार के हाजीपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मांझी ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। मांझी ने एनडीए से अलग होने के बाद को सिरे से नकारते हुए कहा कि पार्टी नीतीश कुमार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमारी पार्टी की मांग थी कि हम अगर आए हैं तो हमें एक कैबिनेट सीट दीजिए, हमारी पार्टी के एक नेता को मंत्री बनाइए। ऐसे उन्होंने मंत्री बनाया और इसके बाद नीतीश कुमार को धन्यवाद। सीबीएसई ने दी छात्रों को बड़ी सुविधा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षार्थियों को बड़ी सुविधा देने जा रहा है, जिसके तहत अब 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थी आसानी से अपना परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। बोर्ड ने इसका विकल्प पेश कर दिया है, जिसके तहत बोर्ड ने साफ किया है कि अगर परीक्षार्थी कोविड-19 से प्रभावित है या कोविड-19 के कारण अपने शहर में नहीं है तो प्रायोगिक और सैद्धांतिक परीक्षा का केंद्र बदल सकते हैं। इसके लिए स्कूल में 25 मार्च तक आवेदन करना होगा। स्कूल की तरफ से संबंधित छात्र का आवेदन 31 मार्च तक बोर्ड को भेजना होगा। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। अगर छात्र अपने ही शहर में केंद्र बदलना चाहते हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसका आखिरी निर्णय सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ही लिया जाएगा। विशेष सशस्त्र विधेयक के खिलाफ जिला प्रमुख पप्पू यादव करेंगे आंदोलन। हाल ही में सदन में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को पास किया गया था। प्रस्तावित
बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के खिलाफ विरोध जताते हुए, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि इस कानून के बाद मजिस्ट्रेट से वारंट की जरूरत नहीं होगी। पुलिस ऐसे ही मनमाने ढंग से किसी के भी घर में घुस जाएगी। यह कानून बिहार के नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित करता है। बिहार सरकार तानाशाह रुख अख्तियार कर चुकी है। इस कानून के खिलाफ जांच सुप्रीमो कोर्ट और हाईकोर्ट में जाएगी। उन्होंने कहा है कि यदि नीतीश कुमार सही में महात्मा गांधी, लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी है तो इस विधेयक को सदन में पेश नहीं करेंगे। बिहार सरकार लगातार जन विरोधी कानून सदन में लाने का काम कर रही है। बिहार में रात तक बैंक को खुला रखने के लिए किया गया आग्रह। बिहार की सरकार ने राज्य के सभी बैंक शाखाओं को देर रात तक खोलने पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है, जिसके तहत वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक को एक पत्र भी जारी किया है। सरकार ने ऐसा अपनी सहूलियत के लिए किया है। मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होने के कारण सरकार के सभी विभागों पर आवंटित राशि को खर्च करने का काफी दबाव रहता है। दूसरी तरफ इस महीने के आखिरी हफ्ते में लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं। 27 मार्च को बंद होने वाले बैंक सीधे अब 10 अप्रैल को ही खुलेंगे, जिसके चलते सरकारी विभाग को हिसाब किताब में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने रिजर्व बैंक से आग्रह किया है कि वो 31 मार्च को बैंकों के राज्य स्थित सभी शाखाओं को देर रात तक खुलने का निर्देश दे, क्योंकि वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन देर रात तक राज्य संबंधी कारोबार होता है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के थानों का डिजिटलाइजेशन शुरू होने से क्या क्या फायदे होंगे? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।